बॉलीवुड की पंगा क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। वैसे तो कंगना रनौत हर मुद्दे पर अपनी बात बेझिझक रखती हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो या फिर बॉलीवुड ड्रग माफियाओं को एक्सपोज करना हो। आपको याद होगा कि हाल ही में कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने की वजह से कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में शुरू हुई इस लड़ाई के चलते कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। और इसी बीच कंगना रनौत के कुछ ट्वीट की वजह से कुछ लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ एक ट्रेंड चला दिया है। इस ट्रेंड में लोग हैशटैग चुपकर कंगना हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्रेंड की शुरुआत कंगना के उस ट्वीट से हुई जब कंगना ने खुद को रानी लक्ष्मीबाई के समान बताते हुए एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा था कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा भी घर तोड़ दिया। जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था, मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितना कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इनटॉलरेंट देश में। अब कंगना के इस ट्वीट के बाद से कई लोग कंगना के सपोर्ट में बोलते हुए नजर आए, तो कई कंगना के खिलाफ। बता दें कि कंगना को रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि कहां रानी लक्ष्मीबाई, कहां वीर सावरकर जी और कहां कंगना रनौत, हंसी आ रही है तुम्हारी बात पर। वो दोनों ने जो भी किया था वो बिना स्वार्थ के देश के लिए किया था और तुमने पैसा अपने लिए कमाया है। सोनू सूद जैसा कोई नेक काम किया हो तो बताओ। वही दूसरे यूजर ने लिखा कि भाई आजकल कोई भी खुद को किसी से भी कंपेयर कर लेता है। हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है और ये औरत रानी लक्ष्मीबाई की जूती की धूल बराबर भी नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर एक और यूजर ने लिखा है कि तू किस एंगल से अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझती है। कंगना टीम शुड बी अरेस्टेड फॉर हर्टिंग द सेंटीमेंट्स ऑफ सेन इंडियंस हु रिवियर रानी लक्ष्मीबाई एज अ हीरो ऑफ अवर फ्रीडम मूवमेंट। वैसे इस मुद्दे पर और भी बहुत से ट्वीट किए गए हैं जिसमें कुछ हमने आपको पढ़ के सुनाए हैं। वहीं बात करें इस ट्रेंड की तो यह ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है और कंगना रनौत के सपोर्ट में कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। फिलहाल इस मुद्दे पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत का खुद को रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर करना सही है या गलत। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस मामले से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर चैनल को। धन्यवाद।